कंटेंट्स में है, हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट शेयर किया हुआ है जिसमें प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स और सारे रूल्स हैं हमने बनाना सिखाया हुआ है। और आज के वीडियोज में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब लागू किए जाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, उसका तरीका क्या है बनाने का, स्ट्रक्चर्स कैसे लिखेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने बताया हुआ है कि सभी टेंसेस के चार चार पार्ट होते हैं, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यू का मतलब होता है कोई क्रिया जारी रहे, यानी यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति कुछ अगर बोल रहा है, बोलते समय अगर वह कार्य हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कह सकते हैं कि जब वर्तमान समय में कोई कार्य व्यापार कोई कार्य व्यापार जारी है अर्थात चल रहा है अर्थात चल रहा हो तो उसको हम उसको बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं अथवा बनाते हैं जब वर्तमान समय में कोई कार्य व्यापार जारी हो अर्थात चल रहा हो। जैसे मैं बोलूं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ठीक है, ये बोलते वक्त यानी कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहा है तो यानी बोलने के वक्त क्या क्रिया क्या है जारी है, यानी इसमें क्या है क्रिया खेल रहा है, सब्जेक्ट क्या है वह। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म करेंगे तो स्ट्रक्चर जो होगा वो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वी फॉर यूज करते हैं। वी फॉर का मतलब क्या होता है तो वी वर्ब में आई एन जी, वी के यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देते हैं तो उसको वी फॉर भी बोलते हैं, वर्ब का चौथा रूप कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ब इस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है तो जब इसमें इसको बनाएंगे तो सब क्या है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर संबंध है ही, ई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम सभी बच्चों से थर्ड फोर्थ क्लास में ही जानते हैं ई के साथ हम इज यूज़ करते हैं, तो ही इज अब ही फोर यानी खेलना, तो खेलने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं वर्ब प्ले, और प्ले में क्या जोड़ेंगे आई एन जी, ही इज प्लेइंग क्या खेल रहा है ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट यानी वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर्स में हमने एसर्टिव का देखा, एसर्टिव में वो भी अफर्मेटिव था, एसर्टिव में किसका देखा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है जैसे राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे तो जो क्रिया होगी वो सबसे पहले सॉरी जो सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। अब हमारा जो बदला होता है
यानी जो वर्ब होता है लास्ट में उसको हम क्या दे देते हैं, खा रहा है, तो यानी राम इज ईटिंग। अब क्या खा रहा है, तो आम, एंड राम इज ईटिंग अ मैंगो। राम एक आम खा रहा है या राम आम खा रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंस को जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो हिंदी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले कर्ता होता है, उसके बाद अगर कर्म है तो कर्म रहेगा, अंत में क्या रहेगी, क्रिया रहेगी। तो जब इसको इंग्लिश में अनुवाद करते हैं हम अंग्रेजी में, तो हम ये हमारा जो और सब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट के ही स्थान पर रहता है, और जो क्रिया होती है वो पहले यूज़ कर दी जाती है। यानी अब यहाँ पे वर्ब के इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको इज एम आर प्लस क्या बिफोर के रूप में, और जो कर्म होता है वो सबसे बाद यानी लास्ट में यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कहें कि वह रो रहा है, वह रो रहा है, तो हम सेंटेंस में जैसे ही इज, रोना का क्या होता है वीपिंग, तो ही इज वीपिंग मीन्स वह रो रहा है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को देख सकते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ये हमारा दूसरा, और यहाँ पे है तीसरा। जैसे अगर हम एक और सेंटेंस कहें कि वह मुझे तंग कर रहा है, वह मुझे तंग कर रहा है। जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट वह, तो वह के लिए ही यूज करेंगे, उसके बाद रहा है यानी ही के साथ इज, और तंग करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टीज या वैक्स, V-E-X या फिर T-E-A-S-E टीज। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इज टीजिंग, T-E-A-S-I-N-G, यानी ही इज टीजिंग, वह तंग कर रहा है किसको, तो मुझे ऑब्जेक्ट इसमें क्या है मी, ही इज टीजिंग मी, वह मुझे तंग कर रहा है। तो इस तरह से हम सेंटेंस के यानी assertive सेंटेंस के affirmative सेंटेंस को हम इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे। अब हम अगले चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, assertive का हमने affirmative देख लिया। अब नेगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर का उपयोग करते हैं, और उसके बाद नॉट को रखते हैं, और उसके बाद हमारा वीक मोड होता है। कभी भी अगर सेंटेंस में नॉट का उपयोग करना हो, नो का उपयोग करना हो, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में हम नॉट को रखते हैं। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वीक मोड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इच्छा हुए। जैसे कहें हम एग्जाम्पल लें, वह विद्यालय नहीं जा रहा है, वह विद्यालय नहीं जा रहा है। मैं गरीबों की मदद नहीं कर रहा हूं, तो अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे जिससे वो अभी ज्यादा नहीं जा रहा है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हमने ही यूज कर दिया। अब ही के साथ क्या यूज करते हैं कंटिन्यूअस में, तो अब यहाँ पे जा रहा है, तो ही इज। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही इज के बाद इज एम आर में से ही के साथ हम इज यूज कर लिए, उसके बाद नॉट यूज करेंगे, ही इज नॉट। अब कहाँ नहीं जा रहा, तो गोइंग, और गोइंग के बाद विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल, यानी ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी वह विद्यालय नहीं जा रहा है।
अगला सेंटेंस है मैं गरीबों की मदद नहीं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आई आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम, आई एम नॉट। अब यहाँ पे मदद करने के लिए क्या यूज करते हैं, हेल्प। तो हेल्प में हम आई एम जी जोड़ेंगे, आई एम नॉट हेल्पिंग, और किसकी, द पुअर, हेल्पिंग द पुअर, यानी मैं गरीबों की मदद नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस भी फॉर्म करेंगे। अब चलते हैं तीसरा इंट्रोगेटिव पे, फर्स्ट टाइप पे। देखिए हम तीसरा स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी जो हेल्पिंग वर्ड द्वारा शुरू हो। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर, यानी जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर हाँ या नहीं में मिलता, उसको हम फर्स्ट टाइप यस नो क्वेश्चंस करते हैं। तो जब उसको बनाते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा कि क्या से शुरू होगा सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्या से शुरू होगा। तो हम ये स्ट्रक्चर्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर्स के लिए करते क्या है, तो सबसे पहले ईच एंड आर, जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू हो और मान लीजिए कि आप रहा है रही है कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, तो उसके लिए जैसे क्या वो नहीं खेल रहा है, क्या वो नहीं खेल रहा है, याद रखिएगा कि इसमें समय ना दिया। अगर समय दिया होगा तो हम उसको इस टेंस में नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे कोई समय नहीं है, यहाँ पे ये है कि प्रेजेंट टाइम का कार्य है, बोलते समय क्रिया जारी रही, तो उस तरह के स्ट्रक्चर के लिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमारा होगा, सबसे पहले जब भी क्या से वाक्य शुरू हो तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी को, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम एक्स्ट्रावर्ड को रखेंगे। जैसे हमने सेंटेंस लिया क्या वो नहीं खेल रहा, तो ये इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप में क्या है, एसर्टिव यानी नेगेटिव है, क्या वो खेल रहा है। अगर हम यहाँ पे सेंटेंस लें जैसे क्या वो खेल रहा है, क्या वो खेल रहा है, तो जब इसको बनाएंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं है यानी नो नहीं है, तो क्या वो खेल रहा है, तो बनाएंगे सबसे पहले एज, क्योंकि ही है तो सब्जेक्ट यूज करेंगे इज के तुरंत बाद, इज ही, उसके बाद खेल रहा है तो इज ही प्लेइंग, मीन्स क्या वो खेल रहा है। अगर यही होता नेगेटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव में ये तो था एसर्टिव के लिए इंट्रोगेटिव में, लेकिन इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव की बात, तो जब क्या आए और उसमें नहीं भी आ जाए तो हम वही यूज करेंगे। बस केवल अंतर इतना है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रख लेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। जैसे क्या वो नहीं खेल रहा है, तो जो हमारा बनेगा इज ही नॉट प्लेइंग, इज ही नॉट प्लेइंग। अगर यही सेंटेंस लिखे दूसरा एग्जाम्पल में, क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा है, क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा है, तो जब इसको हम बनाएंगे तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, तो वह के लिए क्या यूज करेंगे, इज सबसे पहले, क्योंकि सेंटेंस क्या से शुरू है, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद यहाँ पे झूठ बोल रहा है इसमें नेगेटिव नहीं है, नहीं नहीं है इसमें, तो इज ही टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, इज ही टेलिंग अ लाई, यानी क्या वो झूठ बोल रहा है, इससे टू मी, यानी मुझसे, क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम अगला एग्जाम्पल लें, क्या तुम, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, क्या तुम अपना पाठ याद
कर रहे हो। तो जब इसको हम बनाएंगे तो सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ड यूज करेंगे, है तुम वर्ड, तो तुम है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, आर, उसके बाद यू, क्या आप कर रहे हैं, क्रिया क्या है, याद कर रहे हैं, तो आर यू, उसके बाद क्या होगा, लर्निंग, आर यू लर्निंग, किसका पार्ट, यानी अपना पार्ट, तो यू के लिए अपना की अंग्रेजी होगी योर, यू के लिए अपना की अंग्रेजी योर होती है, ई के लिए अपना की अंग्रेजी हिज होती है, आई के लिए माई होता है जब उसके साथ कोई नाउन होता है, तो आर यू लर्निंग योर लेशन, यानी क्या आप अपना पार्ट याद कर रहे हो। तो इतना हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए हमारा फोर्थ, हम तो तीन क्लियर कर रहे हैं, पहला एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव, दूसरा हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, यानी एसर्टिव में हमने अफर्मेटिव नेगेटिव बना दिया, दूसरा नेगेटिव सॉरी दूसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी हमने अफर्मेटिव नेगेटिव बना दिया, और तीसरा हम चलते डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, यानी डब्ल्यू एच वर्ड टाइप स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करेंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वही होता है जब सेंटेंस के, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में अगर वाक्य के बीच में आ जाए, मान लीजिए क्या, कैसे, क्यों, किसको, किसका, कब, कहाँ, इत्यादि आए, इत्यादि आए। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या करते हैं, यानी जब वाक्य के बीच में क्या, यानी डब्ल्यू एच वर्ड टाइप में क्या आ जाए, वर्ड आ जाए, कैसे यानी हाउ आ जाए, क्यों मैंने वेन आ जाए, किसको यानी डब्ल्यू एच ओ एम हुम आ जाए, किसका या हुज आ जाए, हुम हुज आ जाए, हु भी आ जाए, हु का मतलब कौन, विच आ जाए, वेयर आ जाए, What, how, when, whom, who, which and where, अगर ये आ जाते हैं किसी सेंटेंस में, और एक छूटा है why, why आ जाए, तो यानी ये आपके नाइन वर्ड्स, डब्ल्यू एच वर्ड, इसको हम क्वेश्चन वर्ड्स में बोलते हैं। तो जब ये सवाल है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर में, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद या इसको हम ये भी बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, प्लस ईच एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटर्नल। जैसे हम कहें सेंटेंस एग्जांपल ले, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तुम कब यहाँ आ रहे हो, तुम कब यहाँ आ रहे हो। दूसरा सेंटेंस है हमारा, तुम कब यहाँ आ रहे हो, वह इस समय, वह इस समय क्या कर रहा है,
जब इस सेंटेंस में यानी 9 तरह के वर्ड्स हैं आपके WH वर्ड्स व्हाट व्हाट हाउ व्हेन हुम हुस हु व्हिच तथा वेयर यानी ये सब अगर बीच में आ जाए क्या कैसे क्यों किसको किसका कब कहा इत्यादि अगर ये सब आ जाते हैं तो हम स्ट्रक्चर्स ये फॉलो करेंगे सबसे पहले WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड उसके बाद इजम बात उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद हीपो ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड हम चलते हैं बनाते हैं सेंटेंस को अगले सेंटेंस को जैसे वह कहाँ जा रहा है वो कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वेयर तो WHERE यानी वेयर अब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है वह तो वह के लिए क्या यूज करेंगे इज वेयर इज ही गोइंग वेयर इज ही गोइंग मीन्स वह कहाँ जा रहा है दूसरा है तुम कब यहाँ आ रहे हो कब कब के लिए क्या यूज करते हैं वेन टाइम है तो वेन आर यू क्योंकि सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट तुम तो वेन के साथ क्या लगाएंगे आर वेन आर यू कमिंग कमिंग हियर मीन्स तुम कब यहाँ आ रहे हो तीसरा हमारा सेंटेंस है वह इस समय क्या कर रहा है तो क्या कर रहा है तो बीच में क्या आ गया क्या अगर शुरू में आया क्या तो शुरू में आता है तो हम इंट्रोगेटिव में फर्स्ट की जगह बात लगाते हैं तुम वर्ड से तो बीच में आया क्या तो व्हाट वह है तो वह के लिए इज लगाएं व्हाट इज ही उसके बाद करने के लिए हम यूज करते हैं डूइंग व्हाट इज ही डूइंग किस समय तो इस समय व्हाट इज ही डूइंग एट दिस टाइम यानी वह इस समय क्या कर रहा है तो ये आपके सारे स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्लियर हो गए अब हम अगले वीडियोस में आपको रूल्स के साथ नियम के साथ मिलेंगे जिसमें बताया जाएगा कि कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाएगा थैंक यू गाइस।